हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन बंसी रवा एंड कुसकुस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये बंसी रवा या बंसी सूजी, क्योंकि ये दिखने में कुसकुस जैसी दिखती है। बंसी सूजी बंसी गेहूं से बनाया जाता है, जो एक भारतीय डुरम गेहूं का प्रकार है। इसे इटालियन सेमोलिना का भारतीय विकल्प कह सकते हैं। सूजी और सेमोलिना के अंतर और इनके प्रकार को जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। बंसी रवा दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है, उत्तर भारत में ये अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ऑनलाइन स्टोर्स में ही उपलब्ध है। यदि आप खिला खिला उपमा और हलवा पसंद करते हैं तो बंसी रवा आपके लिए एकदम उपयुक्त है। आज दूसरा है ये कुसकुस, जो सेमोलिना यानी जिसको डुरम गेहूं की सूजी कहा जा सकता है से बनाया गया एक उत्पाद, या सरल शब्दों में कहें तो दुनिया का सबसे छोटा पास्ता है। कुसकुस का जन्म उत्तरी अफ्रीका है। वहाँ के देशों अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को, लीबिया इत्यादि के एवरीडे भोजन में इससे बने भोजन का समावेश है। उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ कुसकुस मध्य पूर्वी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में भी प्रचलित है। शुरुआती दौर में कुसकुस को सेमोलिना पर पानी छिड़क कर छोटी छोटी गोलियां बनाकर सुखाया जाता था। आज ये सब प्रक्रिया मशीनों से होती है। कुसकुस अनेक आकार या साइज में आते हैं। इनका आकार काली मिर्च के दानों से मटर के आकार के बराबर हो सकता है, परंतु भारत में इस तरह के बारीक वाले कुसकुस यानी पर्ल कुसकुस ही अधिक प्रचलित हैं। कुसकुस को सबसे अधिक सलाद में उपयोग में लाया जाता है। इनको गलाने का तरीका और समय इनके आकार पर निर्भर होता है। यहाँ हमारे पास ये छोटे छोटे दाने हैं। इनको उपयोग से पहले 10 से 12 मिनट गर्म पानी में भिगोकर गलाया जाता है, जैसे बनाने से पहले पास्ता को भी गलाया जाता है। यहाँ आप कुसकुस का भीगा हुआ गला रूप देख सकते हैं। यह आपको किनुआ जैसा लग सकता है और यह है किनुआ का पका रूप। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इस कुसकुस का कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए यह इसमें डले सॉस, स्ट्यू या विनेग्रेट का स्वाद आसानी से ले लेता है। ये बाजार में डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स में ही उपलब्ध है और इस 500 ग्राम पैकेट का मूल्य 210 रुपए है। यह है बंसी रवा और यह है कुसकुस। दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, परंतु ये एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। एक को अनाज कहा जा सकता है और दूसरा अनाज से बना एक उत्पाद है। दोनों का उपयोग एक दूसरे से भिन्न है। रवा या सूजी से नाना प्रकार के मीठे और नमकीन पकवान बनते हैं, जबकि कुसकुस का उपयोग अधिकतर सलाद में होता है। और हम आशा करते हैं आज की हमारी बंसी रवा और कुसकुस की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।